प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में जो योजना को रखा है उसको पूरा करने के लिए सुंदर ढंग से हमें अगुवाई करेगा। आपके लिए योजना को परमेश्वर रखा है, उसको आपको समझना चाहिए। पूरा होने के लिए परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 18 अध्याय 6 वचन में पढ़ने के समय, जैसा मिट्टी कुमार के हाथ में रहती है, तुम भी मेरे हाथ में हो। मेरा बेटा, मेरे बेटी, तुम मेरे जैसे कुमार के हाथ में मिट्टी रहता, वैसे तू मेरे हाथ में है। इसका मतलब क्या है मालूम? जैसे कुमार मिट्टी के बर्तन को मर्जी से बनाता, वैसे ही मैं अपने मर्जी से तुमको बनाऊंगा, कहता है। बनाऊंगा मिट्टी के रूप में, मैं किसी का काम का लायक नहीं, इस प्रकार कहते हैं। उनके हाथ आपको बर्तन के रूप में बनाएगा। ये जहां आप देख रहे ना, इसी जगह में परमेश्वर ने मुझे बनाया। इस जंगल में तड़के 5 बजे उठकर परमेश्वर के सन्मुख में आके मैं टहरा रहता था। बहुत बातों को परमेश्वर मुझसे बात करके मुझको उसने बनाया। उनका स्वभाव मेरे अंदर आना था, उनके सेवकाई के लिए मुझे बनाया। इस जहां में परमेश्वर मुझसे बातें की, उनके हाथों में मिट्टी के रूप में मैंने सौंप दिया। तू जैसे चाहता वैसे मुझे बनाइए, इस प्रकार मैं अपने आप को यहीं पर सौंप के प्रार्थना किया। यहाँ पर मैंने अपने आंसू को बहाया और हजारों लोग यहाँ पर आंसू बहा के प्रार्थना की। बहुत लोगों को परमेश्वर यहाँ पर बनाया। बच्चों के लिए, जवान लोगों के लिए शिविर चलाकर, कैंप को चलाकर वे सब आंसू बहा के यहाँ प्रार्थना किए। ये वे लोग यहाँ पर आंसू बहा के प्रार्थना करके उन लोगों के सेवक के रूप में प्रभु बनाया। मिशनरियों को प्रभु खड़ा किया और सेवक लोगों को प्रभु खड़ा किया। वही परमेश्वर आपसे आज कहता है, मेरा बेटा, मेरे बेटी, यदि तुम मेरे हाथ में, मैं तुमको अपने लिए काम करने के लायक बनाऊंगा। किसी काम का लायक नहीं, आप कहते हैं ना, यदि परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। पिताजी, तेरे हाथ में एक कुमार के हाथ में जैसे सौंपते, मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। तेरा मन लायक प्रभु और सबका काम लायक प्रभु, मैं सारे जीवन में तेरे लिए काम करने के लिए अपने आप को आज मैं सौंपता हूँ प्रभु। एक बर्तन के रूप में बना के हम इस्तेमाल कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन।